देहरादून में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 संपन्न हो गई है। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आईटीबीपी ने पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में बीएसएफ के खिलाड़ियों ने झंडा गाड़ा तो दूसरे स्थान पर असम राइफल्स की खिलाड़ी रहीं। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज का पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार विजेता राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी रजत चौहान को मिला। महिला वर्ग में बीएसएफ की टूटू मोनी बोरो सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज चुनी गईं। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आयोजन की सराहना की। उत्तराखंड पुलिस ने इस चैंपियनशिप का आयोजन किया था। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कैसे कम समय में उनकी टीम ने प्रतियोगिता की तैयारी की। ये बहुत खुशी की बात है कि 11वां जो तीरंदाजी का कॉम्पिटिशन उत्तराखंड में किया गया है और ये पहली बार है कि उत्तराखंड में इसका आयोजन किया है और जिस प्रकार से आयोजन किया गया है अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है। इसके अंदर में 196 पुलिस पर्सन ने किया था और सबसे बड़ी बात है कि 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया। मैंने उनका जो तीरंदाजी का स्टैंडर्ड है देखा है तो ऐसा लगता है कि भारत इस इलाके में पक्का आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा। एक अलग ही हवा चली है कि किस प्रकार से हर एक भारतीय को अपने आप में वो उत्साह है कि मैं किस प्रकार स्पोर्ट्स के अंदर में पार्टिसिपेट करूं। आज जो इस कंपटीशन का समापन किया गया है 5 दिन का ये कार्यक्रम सच कहूं तो उत्तराखंड को एक अलग ही एक पहचान देता है, उत्तराखंड के पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन को पहचान देता है और हर एक उत्तराखंडी के लिए ये गर्व की बात है कि उस धरती में जहां पर द्रोणाचार्य जी थे, जहां एकलव्य अर्जुन थे, उस धरती के ऊपर में आज तीरंदाजी का ये प्रोग्राम किया गया है। मैं उत्तराखंड के तीरंदाजी एसोसिएशन को भी शाबाश देना चाहता हूं कि उन्होंने ये माहौल बनाया है। पिछली बार जब कंपटीशन हुआ था उसमें 12वीं पोजीशन थी, इस बार 30 पोजीशन है और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में इससे और भी अच्छा किया जाएगा। मैं इस कंपटीशन को देखकर कह सकता हूं कि पूरे भारत में एक अलग उत्साह है कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में, नेशनल लेवल के ऊपर में किस प्रकार हिस्सा लें और जो आज मैंने देखा है तो एक पक्का एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय के ऊपर में भारत और उत्तराखंड स्पोर्ट्स के इलाके के अंदर में, स्पोर्ट्स के एरेना के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आई एम एब्सोल्युटली डेफिनेट अबाउट। एक्चुअली प्रतियोगिता को हमने पहली बार करवाया उत्तराखंड पुलिस ने और यहाँ जबकि इसके बहुत संसाधन भी लाभ हमारी टीमों को तैयारी के लिए भी दूसरे ग्राउंड को यूज करना पड़ता है, उसको देखते हुए थोड़ा स्टेप हमने जोखिम उठाया था परंतु बहुत अच्छे से सफल हुआ। हमारी पुलिस लाइन को हमने आर्चरी ग्राउंड में बदला और बहुत अच्छे से प्रतियोगिता संपन्न हुई। हमारी अपनी टीम जो है 12वीं पोजीशन से 6ठी पर आई है, छोटा सा स्टेट है और नया खेल है हमारे यहाँ, नया खेल थोड़ा आने वाले समय में जरूर कभी उत्तराखंड देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। उत्तराखंड की तीरंदाजी के लिए भी ये चैंपियनशिप खुशखबरी लाई। पिछली प्रतियोगिता में 12वें नंबर पर रही उत्तराखंड की टीम इस बार 6ठवें नंबर पर आई है। उम्मीद है कि देहरादून में आयोजित हुई अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप उत्तराखंड के तीरंदाजों में जोश भरेगी और आगे वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से परमजीत सिंह लांबा की रिपोर्ट।